अपने प्यो ना बड़ा प्यार करना भी चाहिए ना प्यो नाल प्यार क्यों इस तो कि जे प्यो नाल तेरा प्यार चंगा है ना तेन मुलाक भी सलाम करना हलाली यही जे प्यो नाल अठे वक्त लड़दा झगड़दा रहसे ना खुदा दी इज्जत दी कसम तू भावे हलाली हो से भी ना तेरी मां ते किसी ना किसी उंगल उठा ही दे जो जिसकी चीज होती है ना हर असल अपनी असल की तरफ लपकती है मैं जिंदा आ ना मेरा दिल भी उन दिल लड़कना चाचा है मैं गल मैं अपने बुजुर्गों तो पूछा बाबा दस ना मदीने वाले दी आमद दी खुशी करा या ना मिलाद मनावा या ना ते बाबा पता की आखना बाबा आखना मेरा पुत्र टेंशन नहीं लेनी आ कमांड हुन तैयार होया खलो और निकलना है ना देर नहीं तो तेन 20,000 दे सा इतना वक्त क्यों करना है पर मैं आ जेड़ा आज अब्बू जी मैं बार बार आना है ना ते मेरे हाथ चूमना है ये सोने मोहम्मद की आमद हुई थी उस दस आप बेदाया की माँ तो पूछो मेरे भाई ने मुझे यही हुक्म दिया माँ तो आज पूछो अम्मी दास ना मदीने वाले नाल प्यार करांगे या ना सुभान अल्लाह माशाल्लाह मां जे थोड़े भी कोई थोड़ी जी भी समझदार होए ना खुदा से उस मत था चुम के आखना मेरा पुत्र मैं सुनया कि मदीने वाले दी आमद तो पहले ना लोग मां नु धरी के बाजारा च वेच आंदे आ ओ खास दी मंडियां च मामा दी बोली लग जांदी है पर एदे हसनैन करीमैन तैया बैनता है रहन्दा नाना जो आया ना फरमाया जमाने आलो यो मामा नू मरींदा नहीं मामा नू विजींदा नहीं मामा दी खिदमत करींदी यार सल्ला किवें फरमाया हेक करी जाए मोहब्बत नाल प्यार नाल चाहत नाल अकीदत नाल अपनी मां दा चेहरा वेख्या ना मैं मोहम्मद जमाना देना आज दा भी सवाब मिलसी ते उम्र दा भी सवाब पता ये इज्जतें चाचा ये इज्जतां कहीं दे सदके मिलियां मोहम्मद मुस्तफा दे सदके मिली बहन तो पूछा है हजरत जी बातें वही होती हैं जो दिल पे लगे मैं बड़ी शेर शायरी करके आपको सुना सकता हूँ मामला लेकिन खुद सोचो ना आज ऐसी बचे हुए हैं भाई जान सदका कहीं साथ अजाब नहीं हमदा जमी सब सदका कहीं मैं चोर डकैत सब कुछ होवा मेरे मत्थे ते ना लिखी वे मेरे घर दे बूवे ते ना लिखी वे ये बदकार है स्याकार है अजाब टलिया रवे ते भाई जान होर मैनू की चाहिदा है ए सदका आमना दे लाल दे जितनी आज अजमता मिलियां जितनी शाना मिलियां ये सदका सब किसदा है बोलो नजरा ते फिर जेड़ी जिंदगी सोना नबी गुजार गया है ना ओ जिंदगी गुजार से ते अल्लाह भी राजी ते रसूल अल्लाह भी राजी सुभान अल्लाह करीम अकरम अली वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदा मोमिन ओ होंदा है जिंदी हाथ ते जुबान तो दुआ मोमिन बिना महफूज रहे सुभान अल्लाह साडे आ की हाल है मेरे असि सके बिरा पासे बोल पविए ना 6-6 महीने आपासे बोलते नहीं मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्ना अल कातिरा रिश्तेदारियां तरोड़ा नाला जन्नत च नहीं जा सकदा ते मोमिन होंदा ये दो दिया तू पहले ही अपने बिरा नाल सुलह कर लवे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई जो झगड़ा हो जासी ते सुलह करण वाले नु की मिलसी मेरे पाक नबी फरमाया जदो मैं बिरा में सुलह लड़ाई हो जावे ना जेड़ा बंदा मोरे माफी मंगसी सुभान अल्लाह कोई ऐंदा भी मिलाद कदी सुन लिया करो जेड़ा मोरे माफी पहले माफी मांगने में सबकत ले जाएगा मैं उन्हें खुशखबरी सुनाना दिहाड़े क्यामत दे उन दी बां फाद के पुल सरा तू मैं लगा यार सुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं माफी मंगा अगला माफी ना देवे देर कावड़ करे पर मैं उसे माफी देनी चाहिए उलमा की ता सुने जे ना देवे पर मैं उन दस छड्डो हौजे कौसर दे जाम मेरे को ही पीवे डाउने ना जेड़ा बंदा है मोमिन नु माफ करसी मैं मोहम्मद जाम कोई नहीं पीवे ये हुस्न है ये इनकलाब है जो मेरे पाक नबी लाए है मेरे पाक नबी ने जिंदगी के हर डगर हर एस्पेक्ट हर पहलू को रोशन किया है कोई तो दसो हेठ लेके उतर तक नौकर तो लेके बादशाह तक कोई ऐसा बंदा भी है जिन्होंने नबी ने इज्जत ना लेके दिखाया हो
ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਸ਼ਾਜ਼ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬੀ ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते सरकार दामन में कर टुकड़े तुम्हारे नहीं बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं फिर भी तब्दीलियां ना आवे फिर भी बंदा मोमिन किदोए नाल प्यार ना करे भाई जान मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया तुम्हारे चुपे तरोए अपने घर चैरिटी बिगिंस एट होम सर तकड़े रहो मैं 15 मिनट गुफ्तगु मुखांदा पिया मैं बाहर फयाज बना बाहर सखावतां करा बाहर हर बुजुर्ग नू बापे नू मां बहन नू चंगा बोला ते अपनियां बहनां ते वसा ना मेरा मेरा अपने प्यो दा अदब ना करा अपने घर आलियां दे नाल मेरे अच्छे मामलात ना होवन फिर तू अच्छा मोमिन ना हो सकदा फिर तो तेरे किरदार विच मुनाफकत आ गई तो घर आने वास्ते ढेर मीठा बन सुभान अल्लाह ताकि घर आने तेरी गवाही देवे इधर मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ फरमा होए ना ते सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अनहा सुभान अल्लाह आप घरे च पानी नोश फरमा रहे हो असा ता चाचा अजे भी ना सवाणी नु पैर दी जुत्ती समझने आए ना लेकिन ऐसी गल नहीं ऐसी गल हरगिज नहीं सवाणी नु इज्जत दीते अपनी इज्जत घटदी नहीं बढ़दी सुभान अल्लाह सवाणियां ने भी चाहिदा मियां दी इज्जत करे अल्लाह दे महबूब अकरम मुहरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया अगर औरत सजदा गैर अल्लाह नु जायज होंदा ना सजदा सर गैर अल्लाह को जायज होता ते सवाणी अपने घर वाले नु कर दे सुभान अल्लाह सवाणी कै नु कर दी ते जेड़ी वेरदी उनके बारे की क्या गल्ला सुना दी मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद सर समेट रहा हूँ करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद मैं जिस समानी नाल जिस बीवी नाल उनका मियाँ राजी गया सुभान अल्लाह मियाँ राजी गया उनकी बख्शिश की जमानत में मोहम्मद देते सुभान अल्लाह है ना ताली दोनों हाथों से बजती ਤੁਸਾਂ ਟਾਪਿਕ ਹੀ ਇੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸਰ ਪੁਸਰ ਕਰਦੇ ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ ਚਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਾਦ ਸੁਣਾਈਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੋਲੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਨਾ ਉੱਚੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਮਤ ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਾਜਦ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਮਤਾਂ ਨੇ दिन रोशन दिलाता सियान जेड़ा मैं दीन लेके आया हूं ना सुभान अल्लाह मौलवी की गल सुभान अल्लाह तू मेरा रंग भी तो सुनया सुभान अल्लाह बंडा सुनी हो या नहीं कोई ना सुभान अल्लाह जिन्नो सुनिया ता है न्याजी को वीडियो वे सुभान अल्लाह ऐसी बात नहीं है मजमा बाप पापा पागल भी ना बोल सुभान अल्लाह कितनी भी तकरीर कभी सुन ले अल्लाह के हबीब हजूर अकरम नूर मुजस्सम सरकार मदीना साहिब मुअत्तर कलबो मसीना ने इरशाद फरमाया हर नबी जो दीन लेकर आया उस दीन के दिन रोशन और रातें शाह थी पर जो दीन मैं मोहम्मद लेकर आया हूँ उस दीन का दिन भी रोशन और रात भी रोशन अल्लाह की सतार जनाद की कसम ऐ गैरतमंद सुन्नी अपने मुकद्दर पर नाज किया कर तू उस नबी रहमत का गुलाम है जिस नबी ने हजरत अनस बिन मालिक से कहा था अनस मैं मखसूस उम्मत के लिए रहमत लिल आलमीन नहीं हूं जो मुझसे पहले आए मैं उसके लिए भी रहमत जो मेरे बाद मेरी उम्मत का आखिरी गुलाम होगा मैं उसके लिए भी रहमत हूं मैं हर नबी के लिए रहमत हूं और मैं हवाला पहले ही पेश कर चुका हूं अगर मेरा नबी हजरत आदम अलैहि सलाम को फायदा पहुंचा सकता है हजरत ईसा अलैहि सलाम को फायदा पहुंचा सकता है हजरत नूह अलैहि सलाम की नाव को जूदी पहाड़ पर पहुंचा सकता है वही नबी तेरी मेरी कुटिया को बंधन नहीं लगा सकता अल्लाह अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला की जात अक़दस ने बने नौ इंसान पे अशरफ अल मखलूकात पे बड़े बड़े एहसान किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुमार करना चाहे तो हम शुमार नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा नेमतें अता फरमा कर भी अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं जतलाया। तुझे ब्रेन दिया, माइंड दिया, इतना पावरफुल दिया कि एक करोड़ किताब उसमें समा सकती है फिर भी तेरा दिमाग थकता नहीं। अल्लाह ने तुझे दूर और नजदीक से सुनने और देखने के लिए आंख और कान दी, तुझे अच्छे और बुरे की तमीज करने के लिए तुझे नाक दिया, तुझे खुराक को चबाने के लिए दांत दिए, लेकिन रब ने एहसान नहीं जतलाया। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे राजिक, तेरी बारगाह में इल्तमास है, तूने कोई सबसे बड़ा एहसान मुझ पर किया है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है, कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहु। सबसे बड़ा एहसान ये है, सबसे बड़ी नेमत ये है, सबसे बड़ा फजल ये है, कोई अपना महबूब देखने नहीं देता। ऐ मोहम्मद के गुलाम, मैंने सर से लेकर पांव तक मोहम्मद को नूर वाला बनाकर तुम्हारे दरमियान भेज दिया। फिर बाबा जी इससे तो दस ही आने हैं, की आने हैं, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया। 15 मिनट बस, वो गुफ्तगू खत्म। रत्ती टोपी वाला भी जरा बोल ले, ओ बाबा पाक वाला भी बोल ले, रल के असा खड़ा है, नूर वाला आया है, नूर तू भी पाड़ी आ रहा है, नूर वाला आया है। लिखना पढ़ना भी चाहिए, तो सुनाना भी चाहिए, वो किया ने तू अपनी ही गलती हुई मतलब मशा सजेशन अच्छी शुक्र है मुन्ना दे नाल भी बैठे तो है तवज्जो नहीं जी मेहरबानी बस लेकिन मैं कसला वाली सलम दी अम्मी जा सर जी बात होती है समझने वाली दिल को जो दे अकल खुदा फिर तेरी गली से जाएगी। सर जी लोगों ने किया कि मेरे पाक नबी दे अम्मी दे अबू कलमा नहीं पढ़िया, वो मोमिन नहीं है। यारा ये तो दसो, मैं फिर थोड़ी सलाह थोड़ी जी करा, मेरा पाक नबी जिथे कदम रखे सर जी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना ला उक्सिमु बिहाज़ल वलद, नहीं जी वो नबी कोई ना, मैं कहता हूँ हदीस सुनाई ना, तवज्जो है या नहीं, ये ने सोना नबी अम्मी दे अपने शिकमे अतारे चाहना उसे नबी कोई ना,
चाचा पगड़ी आला और ध्यान करता पिया मेरे पाक नबी ने शाबाश तुम तो नबी यम व आदमा बड़ी मेहरबानी आप पढ़े लिखे बा बैठे साजी वांडण मसले दी करा ना सुभान अल्लाह पता लगा मेरा नबी नबी होवण वास्ते मिट्टी दा मोहताज नहीं, नहीं। बड़ी मेहरबानी मेरा नबी नबी होवण वास्ते मिट्टी दा मोहताज नहीं मेरा नबी नबी होवण वास्ते आदमियत दा मोहताज नहीं मेरा नबी नबी होमण वास्ते बशरियत दा बशरियत मेरे पाक नबी दे कदम चाके सुभान अल्लाह फराके ते बोलो पेड़े च बोलो सुभान अल्लाह मेरा नबी ओदो भी नबिया जदो आदम पाक अजे बुद्ध पे मेरा नबी ओदो भी नबिया जदो जन्नत भी कोई ना मेरा नबी ओदो भी नबी जदो जिब्रील भी कोई ना मेरा नबी ओदो भी नबी जदो मिकाईल भी कोई ना कुछ भी ना ओदो या खुदा या फिर मुस्तफा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने आ जदो तुसा दूर आए फिर करेंदे की आए फरमाया अल्लाह मैनू अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे मोहम्मद मेरी इबादत कर अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की इबादत की 70,000 साल अल्लाह के नबी का नूर कयाम में खड़ा रहा 70,000 साल सजूद में रकू में जब 70,000 साल गुजर गए अल्लाह फरमाया सोड़िया मेरे मालिक जी अगर तू मेरे राजी है ना मैनू पता तो एक मेनू उम्मत देनी है हवाला ना हो मैं जिम्मेदार तो मेनू एक उम्मत देनी चाचा अजे कई शायद भी नहीं बनी जन्नत जहन्नम दा कॉन्सेप्ट कोई नहीं अर्श फर्श दा कॉन्सेप्ट कोई नहीं कुछ भी नहीं बनया ते गल्ला तेरियां मेरियां असी क्यों ना नबी नाल प्यार करिए नियाजी जदों कोई उम्मत ना ही बनी कोई नबी ना बनया कोई हूर ना ही बनी कोई गिले मां ना बनया कोई फरिश्ते ना बने अल्लाह पूछया महबूबा मांग अर्ज कीती अल्लाह सुने तो मेनू एक उम्मत देनी है गुनाह करने गुनाहगार होनी है सियाकार होनी है फरमाया फिर अज की सोने हूने पर बने ला ना ना वाला ना वे मेरे अपना दास अज की मेरे मालिक जी मेरी इबादत तो राजी है ना मेरी इबादत तो राजी है तो फिर हूने ही पखे चढ़ हूने ही पखे चढ़ अल्लाह की जाते अकरस मुस्कुराई उसी फरमाया मोहम्मद एडिया फिक्र एडिया फिक्र एडिया फिक्र आए आए वो नबियों मेरा मत कब पाने मेरे सोने पुत्र दा नूर मेरा सोना पुत्र दा हमल मेरा सोना पुत्र मेरे शिका में चाया ना हालात बदल गए बस गुफ्तगु खत्म हालात हलाल आप फरमाएंगे कि मेरे अंग अंग जिथू पसीना निकलता ना हर पोर चु हर बाटी चु पसीना निकला आप फरमाएंगे ना तू खुशबू होंगी आप फरमाएंगे मैं पानी भरन जाती ना मार घड़ा ठाक के रखनी है घड़े का बार कोई नहीं होता मैं कदम रखनी है आगे पत्थर लगते हैं हूँ सारे पत्थर मोह बन गए हूँ सारे पत्थर मोह बन गए आलम में विजदान में आलम में कान में अर्ज की
दी थी पर अजब माल बन गया। एक बादल का टुकड़ा, एक बादल का टुकड़ा मेरे सर पर छांव किया करता था। फरमाती है मैं जिस जानवर में खोलू लगनी जानवर इधर तक से झुका के आता। ओ दरूद तुझ पर भी पुराने जमाने डोल छट के ना खिंच के कर दे सी। वो तभी पुराने जमाने आफरमानियन के असा खूह ते जाना डोल विच सचना पानी कटना ते फिर घड़ा भरना और जदों दा सोना मेरे कोल आ गया आफरमानियन मैं पानी दे खूह दे नेड़े जांदी एवें खूह अल्लू थोड़ा जा वेंदी सजी पानी आपे बाहर देखी खुदिया पानिया तेरे को मां लंबिया दी मां आ गई खुदा पानी लिया आ जाता बाहर दुनिया उड़ीक दिया अज को पानी भर के अगू मेरे जेड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दादा जान ने जेड़ा मेरा सौरा कुड़ीता बैठा मैं क्या अब्बा तुस कुड़ीते क्यों बैठे हो आ फरमाने जी इन्हां दे पुत्र टुर जावे ना जवानी दे आलम च उन्हां दी कुछ तवक्कोआत होंदियां दी रानी मेरा जवान पुत्र डर गया तू कशबोमा लेनी ते मैं ना कुड़ी मां बाबा की गल बनी आ फरमा अर्ज कर दिया बाबा जी मैं कोई खुशबो नहीं लाई ते आ फरमांदे क्या तेरिया सहेलियां ना जिहड़ियां पानी भरन तेरे नाल जांदियां उन्हें दस्या के बाबा तेरी नूह बड़िया सोहनिया कशबोमा लेंदी इहो जिहियां कशबोमा तसा ना सूंघियां ते ना दिठियां ना वेखियां आ फरमान रो के ऐसा मामला बने ना अंशु तो आ जाते हैं खुदा दी सौ जी साड़ी माँ भैन अल्लाह सोना इस मामले तो बचावे जी टाइम नाल विवाह हो जाती है ना उनकी कैफियत की होंगी है वो माँ ही जानती अल्लाह अकबर कबीरा आप ना रो पईया अंशु साफ करके हाथ जोड़ के बाह जदों दी तेरे पुत्र दी अमानत मेरे कोल आई है ना तू कहना मेरे कोल खुशबो मेरे पसीने च भी खुशबो मेरी थुक च भी खुशबो ते मेरी सांसों विचों भी खुशबो कुर्बान जावा मेरे करीमा कसला वाले सलाम फिर आप फरमानियन मैं चंद एक मुजात अर्ज करके वाइंड अप करा आप फरमानियन के कुछ औरतां मेरे कोल आ गईं उन्हें क्या सेब तू बचाने वास्ते नहीं जादू तू बचाने वास्ते इनकारो हलीमा आए लोहे देना कंगन पाला लोहे दे कड़े पाला
आपने फरमाया कि मेरा दिल ना कीता कि मैं कड़े पावा पर उन्हें दिगाने मिगाने मैनू कड़े पवा छ दे आ फरमाने जो मैं कड़े पाए ना पा के जे कलाइया उतां ही कीतियां कड़क करके टुट के पहुंच डह गए आवाज आई आवाज आई आवाज गए बिचू आई अम्मा मैं जहलियत दियां रसूमां मिटावण आया वधावण कबीरा जो सर कोई अच्छी बात है तो मुझे भी बता दे मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा मैं हजूर जी अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड जज़ाक अल्लाह तवज्जो है आप फरमानियां फिर वो रात आई मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं फिर वो रात आई जब मेरे बेटे की आमद हुई सुभान अल्लाह फरमाती हैं कि उस वक्त घर में मैं अकेली थी बड़ा सुना रहा दिल न सुना रहा मैं अपने बच्चों को ये बातें सुनाता हूँ तो आप फरमाती हैं कि मैं घर में अकेली थी वो जो चिराग था ना चिराग उसमें ऑयल नहीं था तेल चिराग चाचा पर उन चिराग दी हुन केड़ी लोड़े सिराजो मुनीरा जो हुंदा फरमाती कैफियत बनी मैंने गुलाब भेजा कि कुछ दाइयां जो है ना मक्के वाली दाइयां आ जाएं लेकिन सभी ने इनकार कर दिया हम नहीं आएंगी उन्हें इनकार ना किया साइया सदया ही ना सही है सुने अम्मा हलीमा छेकड़ ते आई आई बड़िया दाइया आई सोने ले कोई ना नाइया हां सोने बुलाइया ही ना हाँ अल्लाह अकबर कबीरा वरना सोने तू वड्डी दौलत चाचा केड़ी आप फरमानियां फिर वो रात आई ना मैं घरेच कली आ घरेच कली मैनू परेशानी ला कोई कोई तो दाई होंदी कोई तो चिराग होंदा ना आप फरमानियां मैं की वेख्या मेरे कमरे दी एक दीवार फट गई ते नूर दे हुल्ले विच वड़े मेरा कमरा नूरों नला नूर हो गया मैं वेख्या त्रै लम्मे कद्दारियां खूबसूरत औरतां दाखिल होईयां पहली जदों आई ना मैं पूछा तू कौन है उन्हें कहा मैं हवा दूसरी तू पूछा तुसा कौन है उन्हें कहा मैं आसिया तीसरी तू पूछा तुसा कौन है उन्हें कहा मैं मरिया मां किमें आईया हो किमें आईया हो ते आखे लगिया अल्लाह सोने गलिया है जाओ मुहम्मद दिया दाइया बन गया ये है मेरे पाक नबी की विलादत आप फरमानी जब वो मेरे करीब आई ना एक मेरे पीछे खड़ी होगी दो मेरे पांव की तरफ हो खड़ी होगी मुझे थोड़ी सी मजीद परेशानी लग गई एक खूबसूरत सफेद रंग का परिंदा आया जिसकी चोंच जमर्द की थी जिसके पांव याकूत के थे उस परिंदे ने जरा प्यार से करीब होकर मेरे सीने पे अपनी चोंच मस की मुझे सुकून आ गया उसी तरह मुझे थोड़ी सी प्यास महसूस हुई एक गैब से प्याला आया एक गैब से प्याला आया प्याले में सफेद रंग का मशरूब था शरबत और मदीने वाले दी आमद ते अल्लाह पाक ने शरबत वंडे नी शरबत आया अम्मी जान कह दी कि वो शरबत दूध नालो ढेर चिट्टा शहद नालो ज्यादा मिठा कस्तूरी नाल ज्यादा खुशबूदार जदो मैं पीता खौफ हिरास परेशानी गई अल्लाह अकबर कबीरा आप फरमाती हैं मेरे घर की छत खुल गई उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पाक जो अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे थे वो कहते हैं मैंने देखा नूर बरस रहा था आमना के घर की तरफ उजरे की तरफ और मैंने क्या देखा काबा भी झुक झुक कर सलाम क्यों वो इसलिए काबे ने भी कहा होगा नूर वाला आया अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला की जात अक्दस जिब्रील जी रब्बे जलील हुक्म हो फरमाया साखर मेरा यार आ रहा है पहले क्या करूं फरमाया सूरज नूर आज नवा लिबास पहना सूरज को नया लिबास पहनाया जाए कौशल के नजदीक शंकर हजार कस्तूरी के दरख्त लगाए जाए मेरे मालिक क्यों फरमाया मेरा यार आ रहा है ऐ मेरे अल्लाह और क्या करूं फरमाया जहन्नम को बुझा दे जहन्नम को बंद कर दे जन्नत को सजा दे मेरा यार आ रहा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात मैं तेरा झंडे ले जा माशाल्लाह मिर्ज़ा जहलमी है ना उस आख्या झंडे वाली रवायत गलत है लाहौर का साडा एक मुफ्ती है सुभान अल्लाह उस किताबा काट 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 के ना सुभान अल्लाह उस जहलमी ने आख्या सुभान अल्लाह आ तेरे प्यो लिखिया सुभान अल्लाह ये झंडे जेड़ा है ना जी ये साडे झंडियां तो लोग सड़दे ते चाचा अल्लाह सोने बड जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना मेरा बेटा पैदा खारा जमीनी नूर मुझसे एक नूर खारिज चाचा की खारा जमीनी नूर मुझसे एक नूर खारिज हुआ आप फरमाती है मेरा बेटा आते ही ना सीधा सजदे में चला गया आपने दोनों हाथ को जमीन पे टिकाया दोनों शहादत की उंगलियाँ चाचा तेरा मेरा सज्जा खब्बा होता है मदीने वाले दे दो में सज्जे आपने दोनों शरीफ उंगलियां उठाकर पता है क्या फरमाया फरमाया